स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और उसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले फिगर बना लेते हैं। हमें फिगर बनानी है, बी को प्रोड्यूस करना है हमें ई तक, एफ पे है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, और डी पे भी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता है ना आप लोगों को? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, ठीक है, और इक्विलेटरल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, क्या प्रूव करना है हमने? ए बी डी जो है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ई इज ए पॉइंट, ई जो है ये एक पॉइंट है ऑन साइड सी बी। ये देखो बी सी को हमने प्रोड्यूस किया तो यहां पर ई था पॉइंट, ठीक है, ई रखा ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए सी के, ठीक है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ए डी, ये देखो ए डी परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के। और कहता है ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है ए सी के, प्रूव दैट, प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ के सिमिलर है। तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस क्या है हमारे पास दिया हुआ है ना उन्होंने, कौन सी ट्राइंगल है? सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। बताया ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी? ए सी के। समझ आ गई आप लोगों को? अब जो एंगल ए बी
डी, कौन सा एंगल ए बी डी, ए बी डी हो जाएगा ई सी एफ के बराबर, इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ठीक है, समझ आ गई। ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ए बी डी और ई सी एफ, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी। ये देखो एंगल ए डी बी, ये डी एंगल कितना है 90 डिग्री का और एफ भी 90 डिग्री का है, तो इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई या ई एफ सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। समझ आ गई। एंगल बी ए डी, ये जो एंगल है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ये दोनों एंगल हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिमिलर आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी। ठीक है, हैंस प्रूव। तो यही हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लो बेटा आप लोग, आपको समझ आ गई ना, शाबाश, देख लो। फिर नेक्स्ट चलेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी मैंने बना लेते हैं। ए बी सी ठीक है, डी हमारे पास पी क्यू आर और एम। ठीक है, तो चलो कहते हैं साइड्स ए बी एंड बी सी साइड्स ए बी एंड बी सी ठीक है, क्या है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल, एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल ठीक है टू साइड्स, किन साइड्स के रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर,
ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमने शो करना है। क्या कहते हैं, साइड्स ए बी एंड बी सी, कौन सी साइड्स, ए बी एंड बी सी, ठीक है, और जो मीडियन ए डी है ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल का, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स, प्रोपोर्शनल है किसके, साइड्स पी क्यू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर एंड मीडियन पीएम, ये जो मीडियन है पीएम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट, हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर की, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला ना कि ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, क्या ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन कौन सा है, मीडियन है ए डी अपॉन पी एम, समझ आ गई आप लोगों को, इन्होंने बोला है कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी, ये मीडियन इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है, देख लो, शाबाश, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अब प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है हमने ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, तो बताओ कैसे प्रूव करना है, शाबाश, बताओ, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इट इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू, क्या ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी अपॉन वन बाई टू क्यू आर, अगर पूरी साइड प्रोपोर्शनल है, अगर BC यानी पूरा BC जो है प्रोपोर्शनल है QR के, ठीक है, इफ द साइड BC इज प्रोपोर्शनल टू द साइड QR देन हाफ ऑफ BC इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ QR, तब BC का आधा भी जो है वो QR के आधे के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात, तो 1 बाई टू BC अपॉन 1 बाई टू QR ये हम कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पूरी साइड प्रोपोर्शनल है इट मीन्स उसकी हाफ भी प्रोपोर्शनल है, तो इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसको रखो नंबर वन, क्या रखा अब हमने इसको नंबर वन, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई,
प्राइस AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं because M is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR. ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई. ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. तो यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर लिया. तो देख लो आप अच्छी तरह. ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ. देख लो, शाबाश. देख लो शाबाश, फिर चलेंगे नेक्स्ट. चलो फिर करें क्वेश्चन नंबर 13. डी इज ए पॉइंट, यहां भी ट्रायंगल बनानी है. यहां पर भी राइट एंगल है, यहां पर भी राइट एंगल है. ठीक है, चलो अब कहते हैं डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी. डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी. ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी या फिर ट्राइंगल एबीसी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी क्या है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. समझ आई आप लोगों को क्या बोल रहे हैं वो. शो दैट सी ए स्क्वायर क्या, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. क्या क्वेश्चन है हमारे पास, डी इज ए पॉइंट, ये डी पॉइंट है ऑन द साइड बी सी, साइड बी सी पे ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, सच दैट एंगल ए डी सी जो एंगल ए डी सी है वो एंगल बी ए सी के बराबर है, बी ए सी बी ए सी के बराबर है. ठीक है, शो दैट सी ए स्क्वायर, शो करना है कि सी ए स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी है. क्या है, सी बी इंटू सी डी है. समझ आ गई आप लोगों को. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. गिवन डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, क्या हमें गिवन है,
given D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. तो ये हमें गिवन है, ठीक है, समझ आ गई? प्रूफ क्या करना है हमने, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. हमने प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, CA CB इंटू CD. ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी. आप पता है ना ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीएसी में क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है. सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि एंगल एडीसी जो है वो बीएसी के बराबर है, ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी गिवन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है. दूसरा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, कॉमन एंगल, ठीक है. ये आ गया हमारा ए सी डी जो है वो किसके बराबर आ गया, बी सी ए के कॉमन एंगल्स, ठीक है. देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाई ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. कौन सा क्राइटेरियन, ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है. यहां तक आप अच्छी तरह देख लो, पहले आप लोगों को समझ आ गई यहां तक, ठीक है. यहां तक समझ आ गई है जहां तक मैंने समझाया है. देखो सीधी सी बात है, गिवन जो है हमें दिया हुआ है कि डी एक पॉइंट है साइड बीसी पे और फिर ट्राइंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी. प्रूव हमने करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी. इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, एडीसी जो है वो बीएसी के बराबर है, ये तो पहले से दिया है. दूसरा एंगल सी जो है वो हमने कॉमन वाला एंगल ले लिया है, तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल एडीसी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बीएसी के. अब हमें क्या पता है कि जो साइड्स होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसकी, सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की, क्योंकि ये सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉम्पोनेंट साइड्स होती हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन, पता है ना आप लोगों को, तो यही लैंग्वेज हमें लिख देनी है, ठीक है. वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है. इट इंप्लाइज सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी, क्या, सी डी अपॉन सी ए, ठीक है. इट इंप्लाइज अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए इंटू सी ए कितना हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. हेंस प्रूव, तो ये हमने प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है. देखो इसको अच्छी तरह, शाबाश बेटा, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को.
चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? तो चलो ये वर्टिकल पोल ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नोट कर लेना। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ठीक है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड ठीक है And at the same time, a tower ठीक है a tower casts a shadow ट्वेंटी एट मीटर लॉन्ग फाइंड हमने क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द टॉवर पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाती हूँ ठीक है चलो ठीक है देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर ठीक है कास्ट ए शैडो 4 मीटर शैडो वो जब पोल है तो पोल के नीचे शैडो भी पड़ेगी तो उसकी शैडो कितनी पड़ रही है पोल जो है उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर पोल जो है उसकी लंबाई है 6 मीटर और वो शैडो कितनी डाल रहा है 4 मीटर कितनी डाल रहा है 4 मीटर ठीक है और ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे एंड एट द सेम टाइम दूसरा उन्होंने कहा है कि ए टॉवर कास्ट ए शैडो एक टॉवर है लेकिन टॉवर की हमें लेंथ नहीं पता ठीक है जिस तरह हमें पोल की लेंथ पता है वी नो द लेंथ ऑफ द पोल बट वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द टॉवर तो कहता है कि
कि द टॉवर जो है कॉस से शेडो 28 मीटर, शेडो पता है वो कितनी डॉल है, 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टॉवर, तो हमने लेंथ जो है वो टॉवर की फाइंड करनी है, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन की, तो चलो स्टार्ट करें। ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली जो है ये एग्जाम्स में आता है, तो प्लीज आप इसको बार बार करना, ठीक है। तो चलो लेट इन ट्राइंगल एबीसी, मान लेते हैं हम कि ट्राइंगल एबीसी में क्या है, ए बी बी द पोल, ए बी जो है वो पोल है, ठीक है, ए बी बी द पोल एंड बी सी बी इट्स शैडो, एंड बी सी बी इट्स शैडो, ठीक है, ठीक है। आप ले लेना है सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर में क्या हम बात लेना है, पी क्यू बी द टावर, पी क्यू बी द टावर, पी क्यू जो है वो टावर है, ठीक है, पी क्यू बी द टावर एंड आर क्यू बी इट्स शेडो, ठीक है। समझ आई यहां तक, देखो अच्छी तरह, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब देखो, अब आप बताएंगे कि व्हेन क्यू इज द अल्टीट्यूड ऑफ द सन, ठीक है, देन व्हेन क्यू इज द अल्टीट्यूड किसका ऑफ द सन, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। इसका मतलब जो ट्राइंगल जो है एबीसी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पीक्यूआर के, पीक्यूआर, ठीक है, इस किसके सिमिलर हो जाएगी, पीक्यूआर आर के, ठीक है, बाय एए सिमिलरिटी। अब एए सिमिलरिटी क्यों है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल कॉमन, दूसरा ये थीटा, दो एंगल कॉमन, जब दो एंगल कॉमन हो गए तो दो एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी लगी, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, जब सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो आपको बताना द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। इट इंप्लाइज ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ आ गई, तो यहां पर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, समझ आ गई। चलो आगे, इट इंप्लाइज बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एसी अपॉन पी आर, इट इंप्लाइज बीसी, बीसी कितना है हमारे पास, फोर, फोर अपॉन क्यू आर, क्यू आर कितना है हमारे पास, 28 इज इक्वल टू एसी कितना है हमारे पास, ए सी तो है ही नहीं, ए सी अपॉन पी आर, पी आर भी नहीं है, ठीक है, ए सी, हाँ ए सी तो हमारे पास 6 है, सिक्स अपॉन एच, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी, बी सी अपॉन
क्यू आर ठीक है, इट इंप्लाइज बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर ठीक है इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एसी था सिक्स मीटर, एसी सिक्स अपॉन पी आर, पी आर कितना है हमने बीसी अपॉन क्यू आर लेना था, BC is equal to AC upon Q is equal to 6 upon H. It implies 4H is equal to 28 into 6. It implies 4H is equal to 28 meter. तो हमारी जो h मीटर h आ गया ये आ गया 28 मीटर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर ही निकालनी थी, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 8 मीटर, 42 मीटर इज इक्वल टू 42 मीटर, देख लो ध्यान से पहले आप अच्छी तरह ठीक है, देखो इसको शाबाश, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी 42 मीटर, देख लो देख लो शाबाश, दोबारा समझा लूं एक बार, देखो लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी द पोल, मान लिया हमने कि ए बी जो है ये पोल है एंड बी सी बी इट्स शैडो, और बी सी जो है ये इसकी शैडो है, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलरली पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, हमने माना है कि पी क्यू बी द टावर, पी क्यू को हमने टावर माना है ठीक है, एंड पी आर क्यू बी इट्स शैडो, और आर क्यू जो है ये इसकी शैडो मानी है, When Q is the altitude of the sun, अगर Q altitude है sun का, इसका मतलब triangle ABC जो है, ये PQR के similar है, और जब triangle similar होती है, तो उनकी corresponding sides की जो corresponding sides हैं, वो proportion में होती हैं, तो इसका मतलब AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, it implies BC upon QR, ये वाला BC upon QR लिया है हमने, is equal to AB upon PQ, ये दो ले ली हमने ठीक है, इसको और इसको लिया है ठीक है, कोई भी दो ले सकते हैं BC, क्योंकि हमने वही लेनी है ना जिसमें H दिया है, क्योंकि हमने H निकालना है, तो हमने AB upon PQ लिया, तो BC upon QR, और BC है हमारे पास 4, BC है हमारे पास 4 ठीक है, और QR है हमारे पास 28 मीटर ठीक है, तो 4 upon 28 is equal to AB कितना है हमारे पास, ए बी है हमारे पास 6, हाँ ये 6 था, ए बी कितना है 6, और ये है हमारे पास एच, तो एच ले लिया, तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ गई कितनी 42 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको अच्छी तरह कर लेना ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल करेंगे, थैंक यू।